हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डेलियन 2winz। वी होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस हम इश्क मुर्शिद ड्रामे के एपिसोड 9 पर पहुंच चुके हैं। 8th एपिसोड तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, काफी मजा आ रहा है। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते यार, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। फजल बख्श सुकैना दरवाजा नहीं खोल रही, मैं कब से नॉक कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। परेशानी में आओ। इसके आते ही खोल दिया। मैं तो समझ रहा था तुम बहुत बहादुर हो, तुम तो कमजोर निकली बहुत। इतनी सी बात पे कौन रोता है? एक भाई के तरीके से समझा रहा है। मैं और जोहेब ना बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए अब हमें बातों की जरूरत नहीं पड़ती। हम आंखों से एक दूसरे को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, और इसलिए आज मैंने जान लिया है कि सब खत्म हो गया। नहीं, मेरे बाप की जिद ने मेरी मोहब्बत को मार डाला। और वो आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलना आता है। ये तो पता है भाई, ये भी सोच रहा है एक बार को ऐसा मेरे साथ ना हो। मैं ये तो नहीं जानता, बोल रही है कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि सच कहूं मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। मैं तो फंस गया हूं यार, ना भाग सकता हूँ ना बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी कहानी का कंट्रोल मेरे पास है। इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे बस 2 दिन दे दो। 2 दिन के अंदर लगाएगा भाई, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। 2 दिनों के अंदर मैं जैसा तुम्हें कह रहा हूँ, प्लीज वैसे ही करना। ओके भाई, समझा रहा हूं यार, इतना बड़ा मसला नहीं है। छोटी बहन को वैसे ही ट्रीट कर रहा है बिल्कुल इसके। पापा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, फजल बख्श ने पता नहीं क्या तम तरूद करके फूंका है कि सुकैना बिल्कुल आराम से माँ के साथ सोई हुई है। पता नहीं उसने क्या कर दिया। शिप्रा, मुझे लगता है जो फजल बख्श है ना, ये कोई आम इंसान नहीं है। मोलाई वो क्या होता है? ऐसे लोग ना दिल के बहुत खालिस होते हैं, वेरी प्योर एट हार्ट। मतलब ये जो दुआ करते हैं, कलाम करते हैं, जो बात करते हैं, जो मांगते हैं, उसमें कुदरत के बहुत सारे करिश्मे छुपे हुए होते हैं। आज मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे फजल बख्श पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गलती तो हो गई है, लेकिन बाबा आप उसका जर्श देखें। पता नहीं मेरी उससे क्या बात हो रही थी, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि तुम बाबा का थप्पड़ खा के सटया तो नहीं गए? तो कहने लगा सटया तो मैं बहुत पहले गया था, तुम्हें अभी नहीं पता। अब इसका क्या मतलब है? वही जो मैंने पहले कहा, फजल बख्श पक्का मौलाई है। नहीं समझी ना? मैं भी नहीं समझा था। सच वही होता है लेकिन मैं वक्त पे समझ आता। समझ तो आएगा सबको। जब से मिली तू दिल को यकीन है एक्सप्रेशन बढ़िया यार। भाई गेम आ रहा है ये, कुछ भी खिलाड़ी हो कर रहा है। कैसे डाल रहा है सुखा दिए। कैसे कैसे काम करने पड़ रहे थे यहाँ पर, वीडियो अभी करेंगे। दोनों ही देख रहे हैं। फजल बख्श, फजल बख्श। जी सर, जी सर, जी सर। क्या वो सो रहे थे क्या? नहीं सर, वो गांव जा रहा हूँ ना, पैकिंग कर रहा था सर, इसलिए वो आवाज नहीं आई। जिसम से पहले दिमाग वहाँ पहुँच गया। हुक्म करें सर। गांव जा रहे हो अचानक? सब खैरियत है? दरअसल आपको बताते हुए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सर, मुनासिब नहीं लग रहा सर। आप पता नहीं क्या समझोगे। पहले मत बुझवाओ फजल बख्श। सर ये जो आज हुआ है ना सर, सर ये बहुत गलत हुआ है सर, वाकई में सर मेरा दिल दुखा है सर। वो तो सर शुक्र है सर शिब्रा आ गई थी, उसने सुकैना को रोक लिया और जो ज़ोहैब की माँ उसको रुखसत कर लिया, मगर सर बात गलत है, बहुत गलत बात है। लेकिन सर, लेकिन क्या सर आपको क्या लगता है ये मसला यहीं खत्म हो गया? नहीं सर, सर आप मेरी बात का माइंड मत करना सर, माजरत के साथ सर। आपकी जो बहन है सर एक नंबर की लालची लेडी है। जी सर। सर आप ठहरे सर ईमान से भरे हुए, अपने उसूलों पर चलने वाले इंसान। सर ये जो मामला है ना सर, ये आपके हाथ से निकल चुका है अब, ये सच है सर। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ मगर मैं क्या करूँ सर। मैं चाहता हूँ अपनी बहन का घर बसवाऊँ मगर सर 17 ग्रेड की नौकरी सर ज़ोहैब के कदमों में कैसे लाके रख दूँ। सही बात है मगर सर एक हल है मेरे पास सर, वो है मुर्शिद क़दर सर। जाऊँगा उनके घुटनों में बैठूँगा सर, क्या पता सर उनकी एक दुआ सर सुकैना घर आबाद कर दे सर। बड़े बड़े मसलों का हल है उनके पास, इसलिए सर आप बस परेशान नहीं होना। बस मैं जाऊंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो करेगा ये, कर देगा ये, सेटिंग बिठाएगा कुछ। बस बख्श तुम्हें याद है तुमने एक बार सफिया से क्या कहा था? क्या कहा था सर? कि अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में हमें हमारा बेटा लौटा दिया। हाँ सर कहा था। जी सर। फजल बख्श मेरे साथ मुखलिस रहना, सच्चे रहना, झूठ ना बोलना सर। भाई साहब बहुत बड़ी बात बोल गया वो, ये भी कैसे सच बोले। अच्छा इंसान है यार। लेकिन ये भी करे क्या? फजल बख्श खुदा हाफिज नहीं करके जाओगे? आप आप एक प्रॉमिस करोगी मेरे से? इस बार मैं जब गांव से आऊंगा आप मेरा बड़े अच्छे से इस्तकबाल करोगी, प्रॉमिस? बहुत अच्छे से इस्तकबाल करूंगी। फूल बिछाऊंगी, जहाँ जहाँ पे कदम जाएंगे वहाँ फूल होंगे, ठीक है? पक्का पक्का। तंज कर रही हो ना? ये लो सैंडविचेस हैं, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। थैंक यू, थैंक यू। और वो तुम्हारे जो मुर्शिद साई है ना, हाँ, उनको मेरा सलाम कहना। वैसे एक चीज सोच रहा था मैं, ये आपके बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं ना? अभी कुछ दिनों पहले भी जो बात हुई। खुदा हाफिज। यार इसकी तो ऐसी बेइज्जती कर दी है। इसे गुस्सा आता है पर क्या करे, प्यार में बंदा। तुम अभी तक गए नहीं, यहीं खड़े हो? तो आपको बताया था ना मेरी दूरअंदेशी थोड़ी अच्छी है, तो मुझे पता था आप कुछ कहने वाली हो, आने वाली हो। आप बताओ, मैं नहीं जाऊँ, रुक जाऊँ? कोई मैसेज कर देना पहुँच के। काल करूंगा। नहीं काल। जितना कहा है उतना ही करना, ठीक है? चलो जाओ, जाओ। शबा खैर। क्या यार, काफी मजा आ रहा है गाइस। मतलब 9th एपिसोड में अभी तक तो इन्हीं का दिखाया है, इन्हीं की फैमिली का दिखाया है। मजा भी इन्हीं को देखने में आता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल मोमेंट आते हैं ना, तो हाँ, मजा इतना आता नहीं है। तो मतलब ये भाई की तरीके से समझा रहा है सुकैना को, तो और वो बहन की तरह समझ भी रही है, मतलब बातों को सुन भी रही है, भाई समझ के सुन रही है वो। तो काफी अच्छी चीज दिखाई है, छोटी बहन को समझा रहा हो। हाँ, तो मतलब वो भाई बहन का वो अलग दिख रहा है, और इस बढ़िया लग रहा है। हाँ, और इस पे एक और जिम्मेदारी आ गई है कि यार सच कैसे बोलूं, मतलब सच कैसे बोलूं। और वो बंदा बोल के गया है, कभी झूठ मत बोलना, वो झूठ ना बोलना। और एक चीज और उसको कहना को भी इसने प्रॉमिस किया है कि 2 दिन, हाँ 2 दिन का टाइम दो। और अब 2 दिनों में क्या होता है वो तो यार आगे बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। और वैसे नोक झोंक काफी अच्छी लग रही है इन दोनों की, तो खैर लगती है। खैर तो काफी मजा आ रहा है, अब तक काफी मजा आ रहा है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, अब तक के लिए तो बस इतने। तो इस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आप हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन